हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज का जो वीडियो है ये कमेंट सेक्शन पर बेस्ड है। मैं आपके कमेंट्स को रैंडमली पिक करूंगा और उन सभी के आंसर्स दूंगा, जिससे आप सभी लोग जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड है उनको बहुत फायदा होगा। तो देखते रहे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक। चलिए लेते हैं सबसे फर्स्ट कमेंट को। सबसे फर्स्ट कमेंट है जेवेल टेरोन का। इन्होंने लिखा है, सर क्या पूरी तरह से फॉर्मेट के हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट में लिखा हुआ स्क्रीन प्ले या स्क्रिप्ट फिल्म इंडस्ट्री में एक्सेप्ट नहीं करते? प्लीज सर जवाब दीजिएगा। देखिए, अगर आप पूरे तरीके से, पूरे प्रोफेशनल तरीके से और बिल्कुल फॉर्मेट में अपने स्क्रिप्ट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखते हैं या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में लिखते हैं तो बिल्कुल वो एक्सेप्ट की जाएगी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में लिखेंगे तभी आपके स्क्रिप्ट को सेलेक्ट किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, लोग फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर को या फिर अदर स्क्रीन प्ले राइटिंग सॉफ्टवेयर्स को प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि प्रोफेशनल वर्क के लिए टाइम सेविंग का काम बहुत जरूरी होता है। अगर आपको प्रोफेशनली लिखना है तो आपको बहुत जरूरी है कि आप अपने वक्त को बचा करके चले। तो जैसे फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर है तो इसमें आपके काफी सारे वक्त जो है बच जाते हैं। जैसे अगर आप एमएस वर्ड में लिखते हैं तो आपको यूजुअली अगर सपोज एक पेज टाइप करने में सपोज आपको 15 मिनट्स लगते हैं तो वहीं आपको फाइनल ड्राफ्ट में 5 मिनट्स ही लगेंगे। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो टाइम बचाने के लिए और उसे ऑटोमेटिक फॉर्मेट करने के लिए भी फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है। तो आप एमएस वर्ड को भी यूज करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल एक्सेप्ट की जाएगी। और हाँ, यहां पर मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर आप फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर को यूज करना सीखना चाहते हैं, उसमें कैसे स्क्रिप्ट की फॉर्मेटिंग की जाती है और कैसे कैसे उसमें जो मेन्यूज है वो यूज किए जाते हैं, क्या क्या फीचर्स है, ये सभी को अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी एक कोर्स है जिसका नाम है फाइनल ड्राफ्ट फुल ट्यूटोरियल कोर्स। उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है। तो लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है भूपेंद्र मेवा ब्लॉग का। इन्होंने लिखा है, सर फिल्म टाइटल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं प्लीज? देखिए, अगर सही मायने में बोली जाए तो आप बिल्कुल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, आप पोस्ट के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देखिए, अभी तक जैसे विफ्पा जो है, यानी वेस्टर्न इंडियन फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, अगर आप उसके मेंबर बन जाते हैं, यानी आप अपने प्रोड्यूसर का कार्ड बनवा लेते हैं, अपने प्रोडक्शन हाउस खोलते हैं, तब आप एलिजिबल होते हैं अपने टाइटल को रजिस्टर कराने के लिए। यानी आपके स्क्रिप्ट की जो टाइटल है या फिर फिल्म की जो टाइटल है या टीवी सीरियल वेब सीरीज जिसकी भी टाइटल है तभी आप एलिजिबल होते हैं। यानी आपके पास प्रोड्यूसर का कार्ड होगा तभी आप एलिजिबल होंगे उसके टाइटल को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। लेकिन बात यहां पर यह है कि आप डायरेक्टली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं, यानी मुंबई से बाहर रहते हैं, तो फिर आपको इसके लिए अलग से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और फिर बाय पोस्ट आपको जो पेमेंट है और जो फॉर्म वगैरह है वो सभी सेंड करने पड़ेंगे, तब फिर आपका टाइटल जो है वो रजिस्टर किया जाएगा। वरना फिर ये ऑफलाइन ही होती है, आपको ऑफिस में जाकर कराना पड़ता है। तो यूजुअली ये ऑनलाइन नहीं है कि बिल्कुल आप ऑनलाइन कर देंगे जिस तरीके से राइटर्स एसोसिएशन में होती है, यानी एसडब्ल्यूए में होती है कि स्क्रिप्ट को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आपको इसमें ऑफलाइन चाहे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या फिर आपको पोस्ट के जरिए कराना पड़ेगा। अभी तक तो फिलहाल सिस्टम यही है। अब आगे अगर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन जो है वो इस तरह की कुछ फैसिलिटी निकालती है तो काफी अच्छी बात है। लेते हैं चलिए नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है नावेद खान का। इन्होंने लिखा है, सीरियल्स और फिल्म्स में कितने असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं? देखिए, ये यूजुअली डिपेंड करता है प्रोडक्शन हाउस पर। अगर प्रोडक्शन हाउस जो है वो लो बजट की फिल्म बना रही है या फिर मीडियम बजट की फिल्म बना रही है तो उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर्स या फिर और भी जो असिस्टेंट्स होते हैं या क्रू मेंबर्स होते हैं वो कम ही होंगे। लेकिन अगर फिल्म की बजट जो है वो अच्छी खासी है, हाई बजट की फिल्म है, तो उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर्स, 4-5 असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते ही हैं। उसमें पूरी डायरेक्शन की टीम होती है, डायरेक्शन की पूरी डिपार्टमेंट होती है, प्रोडक्शन की डिपार्टमेंट अलग होती है, तो इस तरीके से होता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन हाउस किस तरह का है। यूजुअली अगर आप एक एवरेज लेकर के देखें तो 4-5 असिस्टेंट डायरेक्टर्स एक एवरेज मूवी में रहते हैं। लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है अयूब कादरी का। इन्होंने लिखा है, स्क्रिप्ट में सबका कैरेक्टर लिखना पड़ता है या जिन जिनका नाम आता है उनका ही बैकग्राउंड लिखना पड़ता है? देखिए, इनके कहने का मतलब है कि जो स्क्रिप्ट की लिखने के बाद जब कैरेक्टर डेवलपमेंट चार्ट बनानी पड़ती है तो क्या सभी के कैरेक्टर डेवलपमेंट चार्ट बनाने पड़ते हैं जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनके? तो ऐसा नहीं है, जितने मेन कैरेक्टर्स है उनके आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट चार्ट बनाने हैं। जैसे हीरो और हीरोइन तो हो ही गए, उसके अलावा भी जैसे जो और मेन कैरेक्टर्स है, जैसे अगर विलन का कैरेक्टर है या फिर फादर का कैरेक्टर है, मदर का कैरेक्टर है, कोई भाई है उसका कैरेक्टर है, कोई फ्रेंड है उसका कैरेक्टर है,
तो जितने भी कैरेक्टर्स है यानी कैरेक्टर आर्टिस्ट होंगे उनके लिए आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट चार्ट बनाना है। ये नहीं कि छोटे छोटे रोल्स जो कर रहे हैं उनके लिए भी आप कैरेक्टर डेवलपमेंट चार्ट बनाएंगे, ऐसा नहीं करना। आप सपोज मान लीजिए कि कोई वेटर है वो दो मिनट के लिए पानी लेकर के आया, या एक शॉट है उनका वो जस्ट पानी लेकर के आ रहा है, तो उसके लिए आप कैरेक्टर डेवलपमेंट चार्ट बनाएंगे, ऐसा नहीं करना। आपको सिर्फ जो मेन कैरेक्टर्स है उनके आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट चार्ट बनाने हैं। लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है सईदा नूर उल एन ऑफिशियल, इन्होंने लिखा है सर एक क्वेश्चन है कि जब स्क्रिप्ट में सीन बाहर का है जैसे स्कूल का, तो स्कूल के क्लासरूम का सीन इंटीरियर है या एक्सटीरियर है? देखिए जब स्कूल को बाहर से दिखाया जाएगा यानी स्कूल के बाहर का बिल्डिंग दिखाया जाएगा तो वह एक्सटीरियर होगा। जब क्लासरूम्स को दिखाया जाएगा तो उसमें भी दो चीजें हैं कि अगर क्लासरूम के बाहर से दिखा रहे यानी जो कॉरिडोर वगैरह है जहां से क्लासरूम का लुक दिखाई दे रहा है तो वो एक्सटीरियर हो जाएगी, लेकिन जब आप क्लासरूम के अंदर का लोकेशन दिखा रहे हैं जहां बेंचेस वगैरह रहते हैं, टीचर्स रहते हैं, ब्लैक बोर्ड्स रहती है, तो यानी जो रूम का लोकेशन है वो हो जाएगा इंटीरियर। सीधी भाषा में अगर कही जाए तो जो अंदर की लोकेशन होती है उसे इंटीरियर कहा जाता है और जो बाहर की लोकेशन होती है उसे एक्सटीरियर कहा जाता है। लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। और नेक्स्ट कमेंट है कमेंट ऑफ द वीक। कमेंट ऑफ द वीक में मैं यूजुअली उस कमेंट को पिक करता हूं जो मुझे पढ़कर काफी अच्छा लगता है, तो उसमें है इनायत अंसारी का कमेंट। इन्होंने लिखा है लव यू सर। आगे लिखते हैं सर मैं आपका फैन हूं, मैं आपका हर वीडियो देखता हूं, मुझे राइटर बनना है भोजपुरी मूवी का। सबसे पहले तो इनायत अंसारी जी थैंक यू सो मच एंड वी ऑल ऑल्सो लव यू, आवर होल टीम लव ऑल आवर सब्सक्राइबर्स। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। एंड देखिए अगर आपको भोजपुरी मूवी की स्क्रिप्ट लिखनी है, आपको भोजपुरी मूवी का राइटर बनना है, आप इसके लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है वो है कि आप राइटिंग की जानकारी ले लीजिए यानी आप प्रोफेशनल स्क्रिप्ट लिखना सीख लीजिए। चाहे भोजपुरी लिख रहे हो या फिर आप साउथ इंडियन लिख रहे हो या फिर आप हिंदी मूवी लिख रहे हो, प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग आपको आनी चाहिए। देखिए आजकल भोजपुरी को आप कम मत समझिएगा क्योंकि भोजपुरी जो मूवीज है वो भी आजकल बड़े पैमाने पर बन रही है, उसमें भी आजकल आप देखें तो बहुत ज्यादा पैसे जो है वो खर्च करके बनाए जा रहे हैं, तो उनका भी बजट जो है वो बहुत कम नहीं होता है। तो आजकल जैसे कुछ जो भोजपुरी स्टार्स है जैसे रवि किशन जी हो गए, फिर हमारे निरहुआ जी जो है वो हो गए, तो वो सभी जो एक्टर्स है वो जो फिल्में वो काम करते हैं उनकी बजट अच्छी खासी होती है। तो आप भोजपुरी फिल्मों को भी कम मत समझिएगा, अगर आप उसके लिए स्क्रिप्ट राइटिंग करना चाहते हैं तो भी आपको प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग आनी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए आप प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग सीखिए, आप कहीं से भी सीख सकते हैं, आप इसके लिए हमारे YouTube वीडियोस देख सकते हैं। आप पूरी प्रोफेशनल नॉलेज चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स के लिए मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को 4 months में कंप्लीट स्क्रिप्ट राइटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें आप लोगों को छोटी छोटी बारीकियों जैसे सिनॉप्सिस राइटिंग, प्लॉट, वन लाइनर स्टोरी, स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट, डायलॉग्स लिखना, सभी चीजों को आपको सिखाया जाएगा। यहां तक कि आपको यह भी बताया जाएगा कि स्क्रिप्ट कैसे सेल करना है, कैसे आपको रजिस्टर करवाना है, सभी चीजों की आपको जानकारी दी जाएगी। तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर और प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग आप इस तरीके से भी सीख सकते हैं। तो चलिए ये था कमेंट सेक्शन का आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा डिजाइन की गई ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स। 4 महीने के इस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की छोटी से छोटी बारीकियों और बड़े से बड़े टॉपिक को वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल सहित सिखाया जाएगा। कोर्स की सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस कोर्स को हर उम्र के लोग कर सकते हैं जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट सीखने, समझने और प्रैक्टिस करने के बाद आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनकर सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।